हाय गाइस, वाणिज्य ब्लॉग में आपका वेलकम। आज हम आने वाले हैं यादगिरिगुट्टा। मैं रेडी हो रहा हूँ, आपसे बाद में मिलता हूँ। आज पूरे ब्लॉग में मैं बताऊँगा। बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। पहले तो हमने वो की, उसके बाद धीरे धीरे बस में चढ़े और बस में भी काफ़ी मज़ा ही आ रहा था। बहुत देर तक करीब करीब हम बैठे थे। उसके बाद हम लोग ने उतरा और दूसरे बस स्टैंड के लिए थोड़ा सा वॉक करके बहुत सा डिस्टेंस गए और मैं भी कल चल रहा था और वहाँ पे जाते कि बस खड़ा मिल गया था हमको और ड्राइवर भी रेडी था, तो बैठे, टिकट काटे और जय श्री राम। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था गाइस वहाँ पे बैठ के वीडियो बनाने में। आप लोगों को इस ब्लॉग में मज़ा आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करो, मत जाना गाइस। देख सकते हैं बस में काफ़ी भीड़ भी नहीं थी और हम लोग बहुत सारे वीडियो भी उठाए। इनफैक्ट बहुत ही मजा आ रहा था गाइस, देख सकते हैं हम तीनों ने बहुत सारे फोटो भी उठाए और मास्क भी पहने हुए थे सब लोग। उसके बाद काफी हरियाली भी थी गाइस, मजा आ रहा था। ज़्यादा सनलाइट भी नहीं था, ये संडे का दिन था। तो आप लोग इस सवाल का जवाब ज़रूर देना, मैं ये कहाँ पे जा रहा हूँ। इस वीडियो में कहीं ना कहीं मैंने तो बताया ही है, आप ज़रूर बताना ये कौन सी प्लेस में, कौन से स्टेट में मैं ये शूट कर रहा हूँ। आंसर कमेंट सेक्शन में देना और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें भी मत जाना गाइस, क्योंकि ऐसे ऐसे ब्लॉग्स में लाता ही रहता हूँ आप। सही, बहुत जने थे, मज़ा आ गया गाइस। ये ट्रिप बहुत ही अच्छी रही हमारी, सक्सेसफुल ट्रिप रही। वैसे तो बस में 80 रुपीज़ पर अडल्ट का चार्ज है, मतलब ₹80 लगता है जुबली बस स्टैंड से यादगिरिगुट्टा जाने के लिए। और बस को मैंने टाटा बाय बाय किया और हम फाइनली पहुंच गए 2 घंटे के बाद। और हम लोग दूसरी बस में उठे जो कि सीधा टेंपल की ओर जा रहा था और वो थोड़ा डिस्टेंस पे था और ये टाइम कुछ हो रहा था कुछ 12 के करीब। और हम लोग टिकट काटी और काफ़ी मज़ा कर रहे थे। ये कुछ गोल गोल के घूम से घूम के उठने वाला है गाइस, काफ़ी मज़ा आ रहा था। आप देख सकते हैं अच्छी सीनरी मैंने ली है, थोड़ा रिवर्स हो और देखते रहिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। बीबी बाकी है मेरे दोस्त, आप जैसे देख सकते हैं मैंने पूरी सीनरी ली है। आप देखे भी ना मत जाना का, इस ब्लॉग में काफ़ी सारा मज़ा आने वाला है। तो देख सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस भी है क्योंकि ये 2021 हमारे सीएम केसीआर ने ये डिक्लेयर किया है कि इसको 2 डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। सर न्यूज़ भी कुछ सुन रहे थे, आप चाहे तो सुन सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं थी गई, बहुत जल्दी हमारा 50 मिनट्स में दर्शन भी हो गया था। चाहे तो विज़िट कर सकते हैं आप अगर हैदराबाद।
हैदराबाद से हो या हैदराबाद आने वाले हो, ये बांधनगर से करीब करीब 120 से 130 किलोमीटर दूर है। और सुबह जाना और शाम तक वापस आ जाएंगे घर से, बस बहुत टायर्ड हो जाएंगे बस, पर आपकी पूरी सक्सेसफुल ट्रिप होने वाली हो। और ये ज़िगज़ैग रोड है गाइस, काफ़ी मज़ा आ रहा था, पुलिस भी थे वहाँ से, मज़ा आ रहा था गाइस व्लॉग करके। मैंने जितनी हो सके इतनी सीनरी मैंने कैप्चर की थी गाइस, तो ऐसे करते करते फाइनली कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा काफ़ी मज़ा आने वाला है। आपने मैंने पूरे दिन में किया था, अब बने रहिए हमारे वीडियो में, अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें भी ना, मत जाना गाइस। और आप देख सकते हो बाइक रोड था और फाइनली हम पहुंच गए। तो यहाँ पे कितने लोग हैं आप देख ही सकते हो गाइस, बहुत सारा लोग भी है। अभी कुछ 10 से 5 रुपए इस बस का टिकट नीचे से ऊपर आने के लिए। और ऐसे करते करते हम फाइनली नारियल लेके और अंदर गए, और मैं अंदर शूट नहीं कर रहा था, बस ये थोड़ा सा क्लिप था, अंदर पुलिस भी थी और ये बाहर का है, और इसके बाद इसके अंदर थे हम, बाहर निकल गए। और ये कुछ प्रदीप भी जला रहे थे, अपने फोटोज भी ले रहे थे। नारियल भी बाहर ही फोड़ने का है, अंदर फोड़ने का अलाउड नहीं है गाइस। बस एक मिनट मिला हमको भगवान को दर्शन करने के लिए, उसके बाद नो फोटोज नो फोन्स कुछ भी अलाउड नहीं था गाइस, इसलिए जितना हो सके शॉर्ट क्लिप लिया था। और वैसे काफ़ी फोटोज भी लिए हमने, काफ़ी थोड़ा बहुत भीड़ तो था क्योंकि ये संडे था, और ये मंथ को बहुत ही पवित्र माना जाता है ये देश में, और ये बंदर भी देख सकते हैं, बहुत सारे विजिटर्स भी आए थे, मास्क तो पहने हुए थे और पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा थे, वो गन लेके भी थे। तो इस प्लेस का नाम यादगिरीगुट्टा है, जैसे कि आप मालूम है आपको, अगर हैदराबाद से। और पत्थर भी बहुत थे गाइस, मैं कांटा भी चुक गया था, और ये बहुत सारा तोड़ फोड़ भी है, लेकिन सीनरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत सारे मंकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा कम है गाइस, आपको 10 से 15 ही दिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये छोटा सा व्लॉग यहाँ पे छोटा एंड होता है, अभी पूरा डे जानना है तो आप देख सकते हैं। और ये लड्डू और पुली और अभी था जो हमने खरीदी थी, और जितना देर हमको दर्शन करने में लगा था उससे भी ज़्यादा लाइन ये लड्डू और पुली और लाने में ज़्यादा टाइम लग गया था गाइस। तरह हम लोग फिर से बस में उठे, काफ़ी पसीना भी आ रहा था गाइस, और नीचे उतर के अब कुछ नीचे उतरे और होटल वगैरह में गए खाना खाने के लिए, वहाँ पर मिल्स मिल गई, बस स्टैंड में ही मिल्स थी, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा इनका नाम। देखिए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था मिल्स खाने में, और भी कुछ सब काफ़ी ज़्यादा खाने थे, तो इसमें राइस वगैरह मिल जाते थे, और वैसे खाए और थोड़ा सा चाय पी और निकल गए। जैसे कि आप होटल देख ही सकते हैं गाइस, हम लोग बस में चढ़ गए थे, यही था तो होटल देख सकते हैं, तेलुगु में लिखा हुआ है।
हजीरा नदी होटल ऐसा कुछ। तो एग्जिट हो गए और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन हम पहुंच गए। तो यहाँ से हमने बस पकड़ी, ऑटो ली और घर पहुंच गए। तो घर पहुंच के नहा के खाना भी खा लिए और लड्डू। ठीक है गाइस, तो आई होप गाइस आज का ब्लॉग बहुत में मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। हैदराबाद का यादगिरीगुट्टा क्वेश्चन का आंसर दिए मत ये वाला मत जाना जो मैंने पहले पूछ लिया था। वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना और इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देना और इसी तरह डॉक्टर में आता रहना। मुझे मेरा और एक चैनल भी है, आप मदर चैनल में देख सकते हैं मेरा चैनल और उसकी डिलीवरी या डिलीवरी बॉय में मुझे कैसा लगता है, क्या ओटीपी देना पड़ा, ये सब अनबॉक्सिंग वगैरह वीडियो देखने को मैं इस ब्लॉग में डालता रहा और मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर इस डेली वर्क करूँगा इस ब्लॉग पे। ये स्टूडेंट ब्लॉग जैसे कि आप जान सकते मालूम है आपको, ये स्टूडेंट ब्लॉग है। आप इसको बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, बहुत शेयर करिए, बहुत लाइक करिए, स्टेटस लगाइए और अच्छा लगा हो तो लाइक से शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके भी ना मत जाना। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए इसके इसी ब्लॉग को प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए और इस सफर में मेरा साथ देने के लिए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।